तो यार एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरी एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो भाई, फैंटेसी आई न्यू इवेंट आ चुका है। फीवर टोकन टाइप का कुछ ये इवेंट है भाई। और उसके अलावा आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हमारे अपकमिंग डायमंड रॉयल, वेपन रॉयल और उसके बाद जो इंक्यूबेटर्स आ रहे हैं। और उसके अलावा मैं आप लोगों को जो भी वेपन्स की स्किन और इवेंट्स का बताऊंगा, जो इवेंट्स किस डेट को आने वाले हैं और कौन कौन से इवेंट आएंगे भाई। तो यार अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑल पर सेट कर दो, और वीडियो का लाइक टारगेट 500 है तो जल्दी से लाइक जो है वो कर देना पूरे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो यहाँ पर जो भाई हम लोग सबसे पहले जाते हैं हमारे फैंटेसी आई इवेंट पे। तो यार यहाँ पर जो हमारा इवेंट ओपन हो चुका है और आप लोग देख सकते हो भाई हम लोग कितना कूल बंडल जो है, ये वाला दो आईज है भाई, इसके मतलब आंखों का कलर डिफरेंट है। एक का कलर जो है वो ब्लू टाइप का और एक का रेड कलर है भाई, बहुत ज्यादा जबरदस्त है। और उसके अलावा हम लोग को भाई यहाँ पर जो है बैकपैक है, ये बैकपैक ही है ना भाई, लूट बॉक्स है भाई, ये लूट बॉक्स है। और उसके अलावा हम लोग को 1000 डायमंड्स, यहाँ तक के भाई क्यूब फ्रॉगमेंट्स, एवोल्यूशन स्टोन, उसके अलावा रूम कार्ड, और भाई यहाँ पर हम लोगों को पैराशूट के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें। यहाँ पर हम लोगों को ये ट्राउजर और शर्ट भी देखने को मिल रही है, साथ में शूज़, मतलब ये पूरे का पूरा सेट भी देखने को मिल रहा है भाई, काफ़ी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर जो इस पर डायमंड लगाते हैं और देखते हैं कि हम लोग कितने जो है ये डायमंड्स में निकलता है। और इंडियन रीजन में जो ये मैं आप लोगों को बताता, चलो भाई कुछ ही दिनों में हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो पहला स्पिन जो है 17 डायमंड का मैं एक करता हूँ। तो यहाँ पर जो है भाई, अरे वाह, पूरी फायर। ओके, हम लोगों को जो है पहले स्पिन में कुछ भी नहीं निकला है, तो हम लोग सेकंड स्पिन करते हैं और उसमें मुझे उम्मीद है कि कुछ नहीं निकलेगा। और यहाँ पर भाई हम लोगों को तीन चीज़ें निकल गई भाई, वेपन लूट क्रेट, रूम कार्ड, भाई हम लोगों को लूनर न्यू ईयर वाली भाई जो है वो पेंट कच्चा वो भी निकला है, जबरदस्त हो गया। 49% वाला डिस्काउंट जो है वो यूज़ हो रहा है, 10 स्पिन मोर टू गेट। ओके, हम लोग को 10 और स्पिन करने हैं। और यहाँ पर हम लोग ने, ठीक है भाई, हम लोग को पैराशूट भी निकला है इस बार, जबरदस्त है। और ये हम लोग का एक स्पिन और है, और यहाँ पर हम लोगों को भाई 40% डिस्काउंट मिल गया। और हम लोग को एवोल्यूशन स्टोन के साथ एक और रूम कार्ड मिल चुका है भाई। यहाँ पे फीवर टाइम हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों का टाइम थोड़ा सा, और हम लोग जो है 5 स्पिन अभी 47 में करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों को कितनी चीज़ें निकलते हैं। तो 47 में हम लोग को रूम कार्ड के साथ साथ वाउचर्स भी मिल रहे हैं, और यहाँ पर भाई मुझे शूज़ भी मिल चुके हैं लूनर वाले, ज़बरदस्त हो गए भाई। फिर से स्पिन करते हैं और हम लोगों को भाई लगता है काफ़ी ज़्यादा डायमंड लगने वाले हैं यहाँ पर। तो अभी तक हम लोग कुछ कुछ भी खास चीज़ें नहीं मिल रही हैं, अभी हम लोग को एटलीस्ट बंडल मिलना चाहिए भाई, क्योंकि रूम कार्ड काफ़ी सारे मिल रहे हैं, रूम कार्ड अच्छी चीज़ है। शूज़ फिर से मिल गए हम लोग को, इसकी शर्ट दे दो भाई, पैंट दे दी है, ये 3-4 बार तो हम लोग को पैराशूट ही निकला है भाई। बट मुझे लगता है ये सस्ते वाला जो काम है ना, ये थोड़ा महंगा पड़ रहा है मुझे, तो मैं जल्दी जल्दी से इसको जो है वो निकालने की कोशिश करता हूँ भाई। और इसको करते हैं स्किप, ताकि हम लोगों से डायमंड का बार बार ना पूछे और सीधा हम लोगों के आइटम सामने लेके आए। तो यहाँ पर जो है शर्ट भी निकला है फाइनली हम लोगों की, और हमारे पास डायमंड जो है शायद 1000 से ज़्यादा यूज़ हो गए, शायद यूज़ हो गए, मुझे कन्फर्म नहीं पता, कॉमेंट करके बता देना आप लोग कितने डायमंड यूज़ हो चुके हैं। और हम लोगों को फिर से एक्स्ट्रा रिवार्ड जो वो मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, जो मेन रिवार्ड्स है वो नहीं मिल रहे हैं हम लोगों को भाई। और मुझे नहीं पता कि हम लोगों को अभी कितने के रिवार्ड जो है वो मिल चुका है, ये कहाँ पर जा रहे हैं मुझे ये भी नहीं पता। मैं एक बार इसी वीडियो को बंद करके देखता हूँ और वॉलेट में जाकर देखता हूँ, क्योंकि अब वॉलेट में आ रहे हैं क्या ये सब रिवार्ड्स। ओके ओके, वॉलेट में डायरेक्ट आ रहे हैं भाई हम लोगों के, ज़बरदस्त हो गया। ओ भाई ज़बरदस्त यार। बट अभी हम लोगों का जो मेन पॉइंट है वो है भाई हम लोगों का बंडल, जो कि हम लोगों का अभी तक नहीं निकला है। तो मुझे लगता है ये मैक्सिमम 2000 डायमंड लेगा। फिर से स्पिन मारते हैं। ओके ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई 2000 डायमंड लगे हैं पूरे, शायद 2000 डायमंड लगे हैं, कंफर्म नहीं पता, कमेंट करके जरूर बताना। तो हम लोगों को निकल चुका है हमारा। तो यहाँ पर जो भी हम लोगों का दी रिवॉर्ड विल सेंड टू डायरेक्टली योर वॉलेट, कंफर्म करते हैं। और उसके बाद हम लोगों को काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें मिल चुकी हैं भाई, हम लोगों का लेजेंडरी बंडल हम लोगों को मिल चुका है भाई, ज़बरदस्त हो गया। यहाँ पर जब बंडल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं बंडल हम लोगों का कैसा है। तो भाई यहाँ पर क्या ही कूल बंडल है यार, इसकी आइज सबसे ज़्यादा खतरनाक है भाई, इस बंडल की आइज बहुत ज़्यादा कूल लग रही है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को जो ये वाला बंडल कैसा लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बंडल है यार, बहुत ही ज़्यादा, इसके हेयर्स बहुत ज़्यादा कूल है यार, क्या ही खतरनाक बंडल दे दिया गया यार फ्री फायर वालों की तरफ से, ये वाला तो मज़ा आ गया भाई ये बंडल देख के सच में। अभी आप लोगों ने कमेंट करके बताना कि इस बंडल को ओपन किया जाए या नहीं, अगर आप लोग बोलोगे तो ही ओपन करूंगा, वरना मैं ये बंडल ओपन नहीं करने वाला जल्दी। ओके, तो यहाँ पर जो भाई चलते हैं भाई हम लोग हमारे भी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं डायमंड रॉयल्स की तरफ। यार यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ हम लोग का वेपन रॉयल। तो आप लोग देख सकते हो भाई कितना ज़बरदस्त हमको लग रहा है हम लोग का वेपन रॉयल अपकमिंग, जो क्या AWM का भाई, ये डबल डैमेज के साथ हम लोगों को AWM की लेजेंडरी स्किन देखने को मिल रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्किन है, मतलब ऐसा देखने को
लगता है जैसे एयर गन की स्किन है भाई, बट ये हम लोग का वेपरोल है जो कि हम लोग को देखने को मिलने वाला है कुछ ही दिनों में। और उसके अलावा यहाँ पर जो मैं आप लोग एक और बंडल दिखाऊँ जो कि मुझे लगता है भाई 50-50 कि ये भी हम लोगों को डायमंड रॉयल के अंदर देखने को मिल सकता है। आप लोग इस बंडल की शर्ट देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त है, इसकी बैक पर भी पूरा एक स्केच बना हुआ है, इसकी जो पैंट आप लोग देख सकते हो भाई उसके ऊपर भी एक स्केच बना हुआ है, उसके शूज़ भी बहुत ज़्यादा कूल है भाई, ये शूज़ आजकल बहुत ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। और उसके अलावा भाई इसके सन ग्लासेस, हेयर्स, कानों में आप देख सकते हो तो उसके बाल नहीं लटक रही है भाई, और वैसे भी पूरे का पूरा बंडल बहुत ऑसम लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। और बात करते हैं दूसरे वेब डायमंड रॉयल बंडल की, तो वो है भाई हम लोग का ये वाला बंडल। आप लोग देख सकते हो ये कुछ प्रिंस टाइप का बंडल है, कुछ मतलब मम्मी डैडी बच्चों वाला, पढ़े लिखे बच्चों वाला, हम जैसे बच्चे हैं उनको तो हम लोगों को तो लोफर टाइप के कुछ ड्रेसेस पसंद आते हैं, बट ये भी काफ़ी अच्छा है। ये कपल टाइप जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, प्रिंस की लुक दे रहा है थोड़ी बहुत। और यहाँ पर जो मेल बंडल के साथ हम लोग को फीमेल बंडल भी जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो ये दोनों जो प्रिंसेस टाइप की लुक दे रहे हैं भाई, शायद ये शादी करने के लिए जा रहे थे तो फ्री फायर वालों ने रास्ते से इनको उठा लिया कि आ जाओ भाई पहले तुम लोग जो फ्री फायर का एक चक्कर लगा के आओ। तो ये वाले हम लोगों को डायमंड रॉयल के अंदर देखने को मिल सकते हैं कुछ ही दिनों में, काफी ज्यादा कूल बंडल्स हैं। आप लोग बताओ कि इन तीनों बंडल में से कौन से बंडल आपको ज्यादा अच्छे लग रहे हैं भाई। तो बात करते हैं भाई हम लोग यहाँ पर हमारे एक और बंडल की जो कि हम लोग को देखने को मिलने वाला है कुछ ही दिनों में, तो वो भाई सॉकर्स इवेंट में शायद देखने को मिलेगा, मुझे लगता है भाई, कन्फर्म नहीं है। तो ये बंडल की शर्ट आप लोग देख सकते हो कितनी कूल है भाई, ऐसा एक वेनम बंडल आया था ग्रीन कलर का अगर आपको याद हो, तो पूरे के पूरे वेनम बंडल पर भी इसी तरह के एक लुक और पाइप बने हुए थे, बट वो ग्रीन कलर का था, ये व्हाइट कलर का है। और इसका मास्क भी बहुत ज्यादा कूल है भाई, पहली बार ऐसा हो रहा है कि फ्री फायर मास्क थोड़ा डिफरेंट कर रही है। और उसके अलावा हेयर्स आप लोग देख सकते हो कितने डिफरेंट है, और कलर भी काफी ज्यादा जबरदस्त है। और यहाँ पर जो है आप लोग एक और देख सकते हो सॉकर्स का पूरा बंडल, जिसके अंदर हम लोगों को शर्ट, उसके बाद उसका जो शूज़ भी देखने को मिल रहे हैं। और भाई पूरे का पूरा मतलब बंडल जो है वो मेल और फीमेल दोनों इक्वाइफ कर सकते हैं इसको, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त इनका भाई जो है मुझे बंडल लग रहा है। तो भाई सॉकर इवेंट मुझे यकीन है कि आने वाला है फ्री फायर में वापस, इसलिए हम लोग ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और उसके अलावा बात करते हैं भाई हम लोगों के एक और स्काई बोर्ड की, या स्किन बोर्ड जो भी कहते हैं भाई मुझे नहीं पता यार, सर्फ बोर्ड में भी कहते हैं, तो यार उसकी स्किन देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई, मैं तो इसके ऊपर घोड़े के ऊपर बैठ के खड़ा होके भाई ऐसे इसके रस्सियाँ पकड़े उतरूंगा ना जब गेम के अंदर, मैं कहता हूँ भाई वैसे ही मैप सारा खाली हो जाएगा। इसके ऊपर बंदा जब उतरेगा ना नीचे भाई, उसकी तो वैसी हवा ख़राब होगी ना, एक पॉजिटिव एनर्जी वैसी भर जाती है ऐसी चीज़ों के ऊपर जो बंदा लैंड करता है यार। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है, मुझे बेसब्री से इंतजार है भाई इसका, इसके विंग्स जो है वो आग बरसाते हुए कब मुझे नीचे उतारेंगे। तो यहाँ पर जो मैं आप लोग को एक कोर बंडल लेजेंडरी दिखा रहा हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा कूल बंडल है यार, कसम से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे यार। ये बंडल अभी तक का जो बंडल आ रहा है उनमें सबसे अच्छा लग रहा है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, ये जो होर्स आ रहा है हम लोगों का उसी की थीम पर भाई ये वाला बंडल भी है मेल, आप लोग देख सकते हो इसको क्लियरली, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का बंडल है। इसके सन ग्लासेस, इसके हेयर, कानों में भी इसके भाई जो है वालियाँ डाली हुई है भाई, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है भाई ये वाला बंडल। आप लोग बताओ भी आपको ये बंडल जो है वो कैसा लग रहा है, मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। तो यार ये थी हम लोग की भाई आज कुछ वीडियो, आई होप कि आप लोगों को जो वो वीडियो पसंद ही होगी, अगर आप लोगों को जो वो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, अभी सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ में बेल आइकन जो भी ऑल पर सेट कर देना। और इसके बाद अपने भाई को दो इजाज़त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और स्ट्रीम में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।